Hey, what's up everybody? This is Prashant and welcome back to my channel Prashant Creation. तो guys ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इसमें हम आपको फुल फोटोशॉप ट्यूटोरियल देने वाले हैं कि guys आप फोटोशॉप में किस तरीके से अपने पिक को एडिट कर सकते हैं लाइक प्रो इमेज बना सकते हैं। तो guys इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस करके ग्रे कर दो। ओके, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो जल्दी से ले चलते हैं आपको अपने पीसी पे। एंड गाइस जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस जो वीडियो मैं आपको स्क्रीन रिटचिंग से रिलेटेड कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड जो सेकंड चीज़ है, जो बैकग्राउंड वगैरह कैसे फाइंड करते हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी अपने चैनल पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जल्दी से आपको अपने पीसी पर ले चलता हूं। ओके, तो गाइस आज मैं आपको देखिए ये सारे टूल्स हैं किस टाइप से यूज़ किए जाते हैं ये सब आपको बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं एक नॉर्मल एक इमेज ओपन करता हूं सैम्पल के लिए किस टाइप से सारे टूल काम करते हैं। ठीक है, जस्ट मैं एक इमेज आपको ओपन करके दिखाता हूं। जैसे मैंने इस वाली इमेज को ओपन कर लिया, ठीक है, तो गाइस ये हमारी इमेज हमारे सामने होके आ गई। गाइस अब सबसे पहले आप फोटोशॉप में एडिट करने बैठे हो किसी भी पिक को, समझ लो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लेयर बना लिया करो, लेयर बनाने के बाद यहाँ पे टैप करें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया करो, जिससे गाइस आपकी इमेज की क्वालिटी नहीं गिरेगी एंड जो आपकी रियल क्वालिटी है वही इमेज रहेगी। ठीक है, सबसे पहले ये वाला टूल बता दूंगा। देखिए ये वाला टूल आप इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइप से, अगर आपका कंटेंट अवेयर वगैरह करना हो तो उसमें यूज़ आता है ये वाला टूल। जैसे मैं अभी इसमें आपको ज़रूरत है नहीं क्यों इस टूल की, तो आपको बाद में कभी बताऊंगा। एंड गाइस ये वाला टूल देखिए, इससे आप किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को सिलेक्ट करके इधर उधर ड्रॉप कर सकते हो। ये वाला टूल आप बैकग्राउंड मेनू बैक जैसे बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं ना वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इसको सिलेक्ट करना चाहो तो आप ऐसे करोगे तो देखिए इसने सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। तो गाइस ये है ऑटोमेटिक बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए। ये क्रॉप आप लोग जानते होंगे, अगर आपको इंस्टाग्राम के रेशियो में अपनी पिक को करना है तो लेफ्ट क्लिक करके 4:5 कर दिया करो ये वाला, ठीक है, एंड एंटर कर देंगे तो गाइस देखना आपका इंस्टाग्राम की रेशियो, मतलब आप इसको इंस्टाग्राम पे डालोगे ना पिक को, अब तो ये पूरी जो फोटो है वो दिखेगी आपकी इंस्टाग्राम पे, कहीं भी क्रॉप नहीं होगी। ठीक है, इस टूल का गाइस मुझे पता नहीं। अब जाते हैं गाइस हमें इस वाले टूल पे। ठीक है, ये होती है स्पॉट हीटिंग टूल। स्पॉट हीटिंग टूल से मतलब गाइस मैं आप एक दूसरी इमेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ, उस पर आपको यूज़ करके बताऊँगा कि आप स्पॉट हीटिंग टूल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं एक इमेज ओपन करता हूँ सैंपल के लिए। तो गाइस देखिए ये वाली इमेज मैंने ओपन कर ली। अब देखिए स्पॉट हीटिंग टूल का काम क्या होता है, जैसे आपके चेहरे पे जो स्पॉट हैं इनको ये हटाता है। जैसे मैंने इस यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए वो गायब हो गया ना, तो आपको इसका साइज़ छोटा रख के आपको इसको यूज़ करना होता है। देखिए एंड गाइस यहाँ पे भी कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वहाँ पे आप कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और जे दबा के उसे हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़े से जहाँ भी आपको स्पॉट दिखे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको स्किन थोड़ी सी खराब लग रही है, कहीं आपको दाग वगैरह दिख रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है स्पॉट हीटिंग टूल वाले टूल आपका, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला टूल आता है ब्रश टूल, अगर आपको कहीं कलर पेंट वगैरह करना है वो हो सकता है। एंड यहाँ पे जो सब मेन, अगर आप फोटोशॉप आर्टिस्ट हैं आप जानते हो, तो मेन जो ब्रश होता है ना गाइस वो होता है मिक्सर ब्रश टूल। ठीक है, इससे आप अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई है स्किन स्मूथिंग से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बताई हैं, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आई बटन या फिर एंड स्क्रीन पर कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगा। एंड कहीं भी नहीं मिले तो आप चैनल पर जाकर ढूंढ सकते हैं गाइस, इजीली वीडियो ट्रेंड में है काफ़ी ज़्यादा, आपको चैनल के मोस्ट पॉपुलर जो व्यूज़ होते हैं वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, एंड गाइस अब जाते हैं हम ये वाला ग्रेडियंट वाले टूल पर। गाइस इसका काम क्या होता है, जैसे मैं दिखाऊंगा, यहाँ से भी आप इस ग्रेडियंट दे सकते हैं। एंड गाइस ग्रेडियंट देने के लिए आप यहाँ से भी दे सकते हैं, देखिए ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ये भी ग्रेडियंट है, एंड गाइस यहाँ पे भी ग्रेडियंट है। तो इसको जस्ट आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आप ब्लैक कलर ले सकते हैं। जैसे आपको अगर नीचे कहीं डार्क लुक देना होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आप ग्रेडियंट की हेल्प से दे सकते हैं। देखिए ऐसे करा एंड यहाँ से आप ग्रेडियंट की हेल्प से डार्क दे सकते हैं, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, इसको जैसे भी आप कहीं यहाँ से इतने एरिया में आपको डार्क चाहिए था तो आप डार्क ले सकते हैं, इसकी ऑपेसिटी वगैरह, जैसे मैं ऑपेसिटी जैसे 50 रख दूँ, हमको नीचे की तरफ थोड़ा डार्क एरिया चाहिए तो डार्क हम इस टूल से ले सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस अब आता है हमारा स्मच टूल। अगर आपको कहीं एजेस वगैरह रिमूव करने होते हैं, जैसे आप बैकग्राउंड आपने इरेज किया, अगर आप एजेस वगैरह स्मूथ करते हैं इस टाइप से, तो आप इस को यूज़ कर सकते हैं गाइस। अब नेक्स्ट हमारा जो टूल आता है वो आता है डॉज एंड बर्न। ठीक है, अगर आपको फोटो में किसी भी जगह शाइन ऐड करनी हो ना तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इजीली तरीके। जैसे हमें मान लें यहाँ पे थोड़ी शाइन ऐड करनी है, देखिए इसकी ऑपेसिटी आप 50 रख सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो के अनुसार इसकी ऑपेसिटी वगैरह रख सकते हैं। जैसे आपको डॉज एंड बर्न इफेक्ट देना है यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है गाइस ये इफेक्ट। देखिए जैसे मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके,
देखिए गाइस कितना मस्त हमारा बॉडी शाइन सी होने लगी ना हर एक जगह, जहाँ जहाँ आपने डोजेंट बर्न दिया आप हेयर पे दे सकते हैं, जिससे आपके हेयर भी शाइन करने लगेंगे ऐसे, ठीक है। एंड गाइस ये वाला टून आता है पेन टूल, तो गाइस इसकी हेल्प से आप बैकग्राउंड को रेस कर सकते हो, जैसे अपने आप ऐसे सिलेक्ट करके इतना इतना करेंगे, जैसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, इसको मेक सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे एंड कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबाएंगे ना, तो देखिए आपकी ये इतनी लेयर अलग होके आ जाएगी, देखिए आ गई ना। इस टाइप से आप मैनिपुलेशन के लिए बैकग्राउंड अगर आप हटाना चाहते हैं अपनी इमेज का, तो इस टूल की हेल्प से ईजिली हटा सकते हैं, ठीक है। ये आता है टेक्स्ट, अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, तो ईजिली इसको बारे में कुछ जानने को आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो गाइस ये है फोटोशॉप के टॉप टूल जिनसे आप एक मैनिपुलेशन एडिटिंग कर सकते हैं। एंड गाइस कुछ फिल्टर्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। अगर आप और भी अच्छी तरीके से काफ़ी ज़्यादा वाइड तरीके से जानना चाहते हैं फोटोशॉप में और कौन कौन से हैवी टूल है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको वो ही बता दूंगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।